दोस्तों इतना तो आपको पता ही है कि अगर आप अपने सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बूटिंग डिवाइस हार्ड ड्राइव की जगह पर आपको SSD यूज करनी चाहिए। लेकिन क्या इतना जान लेना काफी है? इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है, लाइक हार्ड डिस्क के मुकाबले में SSD के अंदर कितने टाइम तक डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है, एक SSD की लाइफ साइकिल कितनी होती है, और इन फ्यूचर में कभी हमारी SSD स्टोरेज डिवाइस करप्ट हो जाती है, नॉन डिटेक्टेबल हो जाती है, तो डेटा रिकवरी के कितने चांसेस हैं। इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हार्ड डिस्क और SSD के बेसिक डिफरेंस को हम समझते हैं। हार्ड डिस्क बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है 2.5 इंच की सेटा हार्ड ड्राइव जो कि बेसिकली लैपटॉप के अंदर यूज की जाती है, और दूसरी टाइप होती है 3.5 इंच की सेटा हार्ड ड्राइव जो कि बेसिकली डेस्कटॉप के अंदर यूज की जाती है। बेसिकली हार्ड ड्राइव को मैकेनिकल ड्राइव्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क होती है और एक हेडर की मदद से डेटा का रीड और राइट ऑपरेशन किया जाता है, और इसको एक मोटर की सहायता से 5400 RPM या फिर 7200 RPM के ऊपर घुमाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो मैकेनिकल इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से हमें जो इसकी डेटा स्पीड है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 130 Mbps तक की मिल जाती है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, और इसी मैकेनिकल मैकेनिज्म की वजह से इसकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड हो जाती है, और इससे ज़्यादा कैपेसिटी अगर आपको चाहिए आपके सिस्टम के अंदर तब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर SSD का। हार्ड डिस्क के अंदर जहाँ पर हमको सिर्फ दो साइज मिलती है, लेकिन SSD के अंदर हमें साइज भी डिफरेंट मिलते हैं और टाइप्स भी डिफरेंट मिलते हैं। बेसिकली SSD तीन टाइप की होती है, 2.5 इंच की सेटा SSD, M.2 सेटा SSD और NVMe SSD। 2.5 इंच की सेटा SSD का यूज बेसिकली हम उन मदरबोर्ड के ऊपर करते हैं जहां पर M.2 का पोर्ट अवेलेबल नहीं होता है, या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि पुराने सिस्टम्स को हम SSD से अपग्रेड 2.5 इंच की सेटा SSD लगा करके कर सकते हैं, और M.2 सेटा SSD और NVMe SSD का यूज हम उन मदरबोर्ड पे करते हैं जहां पर M.2 का पोर्ट अवेलेबल होता है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि हर M.2 का पोर्ट के ऊपर आप NVMe SSD लगा सकते हैं या फिर M.2 सेटा SSD लगा सकते हैं, इनकी कंपैटिबिलिटी अलग अलग होती है, ये आपको मैनुअली चेक करना होता है। अब PCIe जो पोर्ट है दोस्तों, ये अपने आप में पूरा एक अलग चैप्टर है, अगर आप इस पर पूरी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना। अब बेसिकली इसके अंदर अलग अलग लेन सिस्टम होते हैं, लेन 1, लेन 2, लेन 4, लेन 8 और लेन 16, इसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली NVMe जो SSD होती है वो X4 पोर्ट के ऊपर लगाई जाती है, और जिस M.2 पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो बेसिकली PCIe X4 का पोर्ट होता है, और X4 का Gen 3 के पोर्ट के अंदर आपको 4 Gbps तक की स्पीड मिलती है, यानी कि तकरीबन 4000 Mbps तक की, और हर जनरेशन के साथ में इसकी स्पीड प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले में दुगनी हो जाती है, यानी कि जनरेशन 3 के अंदर X4 पोर्ट की मैक्सिमम स्पीड 4000 Mbps, उसी तरीके से Gen 4 के अंदर इसकी मैक्सिमम स्पीड मिलेगी आपको 8000 Mbps, और इसी तरह से Gen 5 के अंदर आपको मैक्सिमम स्पीड जो मिल सकती है वो 16000 Mbps मिल सकती है। ठीक है, यह है इसके पोर्ट की कैपेसिटी, लेकिन SSD की स्पीड इससे डिफरेंट होती है। 2.5 इंच की सेटा SSD और M.2 सेटा SSD के अंदर बेसिकली आपको 550 Mbps तक की रीड राइट स्पीड मिल सकती है। वहीं पर अगर NVMe की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग जनरेशन की अलग अलग SSD के अंदर आपको अलग अलग स्पीड देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर हम NVMe SSD को भी तीन जनरेशन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, Gen 3, Gen 4 और Gen 5। Gen 3 वाली NVMe SSD के अंदर मैक्सिमम आपको 3500 Mbps की रीड और राइट स्पीड मिल सकती है। Gen 4 वाली अगर आप SSD का यूज करते हैं तो मैक्सिमम आपको 7000 Mbps तक की रीड राइट स्पीड मिल सकती है, और Gen 5 NVMe SSD का अगर आप यूज करें तो मैक्सिमम आपको 14000 Mbps तक की स्पीड मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो मार्केट के अंदर Gen 5 NVMe SSD है उसके अंदर लगभग 11 से 12000 Mbps की स्पीड मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि Gen 3 के अंदर 3500 Mbps सभी SSD के अंदर आपको मिलेगी, Gen 4 के अंदर 7000 Mbps आपको सभी SSD के अंदर मिलेगी। अलग अलग ब्रांड के अलग अलग जो मॉडल अवेलेबल है उनके अंदर रीड राइट स्पीड भी अलग अलग है। अगर आप बाय करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये आपको पहले मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर SSD के अंदर कितनी रीड राइट स्पीड आपको मिलने वाली है। अब M.2 SSD भी आपको 4 अलग-अलग साइज के अंदर अवेलेबल हो जाती है, एक होती है 2230 साइज, एक होती है 2242, एक होती है 2260, एक होती है 2280 और एक होती है 2210। इनके अंदर से 2280 जो वेरिएंट है साइज का, ये सबसे ज्यादा अभी पॉपुलर है और मोस्टली मदरबोर्ड के अंदर यही साइज की NVMe SSD को लगाया जाता है। हार्ड डिस्क और SSD के स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम बात करते हैं रिलायबिलिटी के बारे में। देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि हार्ड डिस्क के अंदर मूविंग कंपोनेंट्स होते हैं, काफी सारे अलग अलग पार्ट्स लगे हुए होते हैं, लाइक प्लेटर है, मोटर है, रीड राइट हेड है, PCB है। इन केस अगर आपकी हार्ड डिस्क
गिर जाती है, तो ऐसे में डेटा करप्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई ना कोई पार्ट आपका हार्ड डिस्क का डैमेज हो सकता है, या तो हेड खराब हो जाएगा, या फिर प्लेटर के ऊपर स्क्रैच आ जाएंगे, या फिर पीसीबी डैमेज हो जाएगी, तो ऐसे में डेटा करप्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर एसएसडी की अगर हम बात करते हैं तो एसएसडी के अंदर कोई भी मूविंग कंपोनेंट्स नहीं होता है। डेटा स्टोर करने के लिए इसके अंदर 3D NAND फ्लैश मेमोरीज का यूज़ किया जाता है, और इसी वजह से हार्ड डिस्क के मुकाबले में इसका जो वेट है वो काफ़ी कम होता है। और अगर दोनों को एक साथ गिराया जाए तो हार्ड डिस्क के करप्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एसएसडी के मुकाबले में। तो रिलायबिलिटी के मामले में, फॉल डाउन के मामले में एसएसडी जीत जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एसएसडी का यूज़ करना कितना बेनिफिशियल होता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या एसएसडी के अंदर हम डेटा स्टोर करके भी रख सकते हैं? अब देखिए, इसका जवाब अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एसएसडी का लाइफ साइकिल हम किस TBW से काउंट करते हैं, टेराबाइट रिटर्न। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब किसी सेल के अंदर कितनी बार डेटा को रीड और राइट किया जा सकता है। इसके ऊपर वैसे मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। कंप्यूटर फील्ड में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है लाइफ टाइम, और लाइफ टाइम ये जो शब्द है दोस्तों ये जनरली 5 साल के लिए किया जाता है, ठीक है? तो हार्ड डिस्क हो चाहे फिर वो SSD हो, आप उसके अंदर 5 साल के लिए डेटा स्टोर करके इजीली रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने काफ़ी अच्छी क्वालिटी की स्टोरेज डिवाइस बाय की है तो आप मैक्सिमम 10 साल तक उसके अंदर डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार आपने डेटा स्टोर कर दिया और आपको निश्चिंत हो जाना है। देखिए, ये चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ये कभी भी फेल हो सकती है, चाहे आपने कितनी बढ़िया से बढ़िया डिवाइस ही क्यों ना ली हो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपने इंपॉर्टेंट डेटा का आप एक सेपरेट बैकअप तैयार रखें, यानी कि किसी अदर डिवाइस के अंदर उसका बैकअप आपके पास हमेशा होना चाहिए। हालांकि अभी जो SSD का प्राइस है वो हार्ड डिस्क के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है वैसे वैसे SSD का प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, और आने वाले टाइम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। अभी 1 TB SSD का प्राइस जनरली 4000 रुपये तक आ चुका है, और अगर आप हार्ड ड्राइव लेते हैं 1 TB की तो तकरीबन आपको 3200 से 3400 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर SSD का प्राइस हार्ड डिस्क के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाए। स्टोरेज डिवाइस फेलियर के केस में SSD हो या फिर वो हार्ड ड्राइव हो, दोनों तरह की डिवाइस से डेटा रिकवर करना बिल्कुल पॉसिबल होता है। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ हार्ड डिस्क से डेटा रिकवर किया जा सकता है, SSD से डेटा रिकवरी नहीं होता है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है, SSD में भी डेटा रिकवरी पॉसिबल होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि हार्ड डिस्क के मुकाबले में SSD से डेटा रिकवर करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि अभी 3 या 4 साल हुए हैं डोमेस्टिक लेवल पर SSD को यूज़ करते हुए, और SSD से डेटा रिकवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, अलग तरह के हार्डवेयर और इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो सिर्फ प्रोफेशनल डेटा रिकवरी सेंटर पर ही पॉसिबल होता है। और इस तरह के इक्विपमेंट को बाय करना और मैनेज करना और साथ में ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी टेक्निकल स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो हार्ड डिस्क के मुकाबले में SSD से डेटा रिकवर करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। हालांकि हार्ड डिस्क पे भी डेटा रिकवरी काफ़ी सस्ती नहीं है, उसमें भी काफ़ी जेब खाली करनी पड़ जाती है। तो आपको अगर रिकवरी के चार्जेस से बचना है तो रिकमेंडेशन तो यही है, सेपरेट डिवाइस के अंदर, चाहे फिर वो USB हो, चाहे फिर वो आपकी कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस हो, उसके अंदर आपको आपके इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप हमेशा रखना चाहिए। और वैसे भी किसी भी दूसरी डिवाइस के अंदर डेटा का बैकअप लेना डेटा रिकवरी से तो चीपर ही होता है। आई होप दोस्तों बहुत सी नई बातें आज आपको जानने को मिली होगी, और आपने अब तक वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक्नोबाजी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और गजब की वीडियोज़ आती रहती है। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।